हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने शैल बी और विल बी का इस्तेमाल बताया था और पूरा बता दिया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन और सारे कुछ बता दिया था मैंने। अभी आज की क्लास में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को रिवाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, रिविज़न करेंगे तीनों टेंस का। बेसिक इंग्लिश में आने वाले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस का हम आज रिवीजन करेंगे एक साथ। आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको, एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस सिर्फ 15-20 मिनट तक अगर आप कर ले तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि क्या प्रेजेंट, क्या पास्ट और क्या फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो बनाया होगा, तो आप अभी चेक कर लो। ओके फ्रेंड्स, ये रहा, आपने जो भी बनाया है इसे आप टैली कर लो, चेक कर लो, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं आप उनको सुधार दिया करो। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमने शुरू में पढ़ा इधर, वह गरीब है। पास्ट में होगा उसका वो गरीब था, फ्यूचर होगा वो गरीब रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बनाएंगे कैसे, आपको पता ही है वो गरीब है तो ही इज पुअर। ओके फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। इज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है वो पता होगा, नहीं पता होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस क्लास वाले जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो वीडियो देख लेना आप। वह गरीब था, ही वॉज पुअर, था थे थी हो गया तो वाज वर, अब वह गरीब रहेगा ही विल बी पुअर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप समझो, आप ऐसा एक सेंटेंस क्रिएट करना मन में कोई भी आप, और उसका पास्ट बनाना फिर फ्यूचर भी बनाना। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारा बनाना, प्रैक्टिस करना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि इसको फिर ऐसा सब ऐसा सेंटेंस दिमाग में जब भी आए तो उसके बारे में उसका इंग्लिश बनाते वक्त सोचना ना पड़े, खुद ब खुद अपने आप बाहर निकलता जाए। ओके फ्रेंड्स, तो वह गरीब है, ही इज़ पुअर, वह गरीब था, ही वॉज पुअर, वह गरीब रहेगा, ही विल बी पुअर। ओके फ्रेंड्स, अभी इसमें नेगेटिव, तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा मुझे हैप्पी, तुम खुश नहीं थे, आप मन में बनाते जाओ, यू वर नॉट हैप्पी। तुम खुश नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश नहीं थे तो आर की जगह और लगता है, पता है आपको, यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, क्या वे लोग खिलाड़ी हैं, अभी इंट्रोगेटिव, तो विल सॉरी आर दे प्लेयर्स, क्या वे लोग खिलाड़ी थे, वर दे प्लेयर्स, क्या वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, तो विल दे बी प्लेयर्स। ओके फ्रेंड्स, क्या वाला पता है आपको, जब भी क्या से शुरू होता है सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं। तो प्रेजेंट में आया इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है तो आर पहले आया, पास्ट में वाज वर हेल्पिंग वर्ब है तो वर पहले आया, और फ्यूचर में शैल और विल हेल्पिंग वर्ब है तो विल पहले आया। ओके फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन वर्ड, वह क्यों खुश है, व्हाई इज ही हैप्पी, वह क्यों खुश था तो व्हाई वाज हो जाएगा, वाज ही हैप्पी, वह क्यों खुश रहा होगा, व्हाई विल ही बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, बहुत ही अच्छा वे है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मेरे पिताजी तैयार है, माई फादर इज रेडी, मेरे पिताजी तैयार थे, माई फादर वॉज रेडी, मेरे पिताजी तैयार रहेंगे,
माय फादर विल बी रेडी। अभी हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, मेरे पिताजी तैयार नहीं हैं। माय फादर इज़ नॉट रेडी, मेरे पिताजी तैयार नहीं थे। माय फादर वॉज नॉट रेडी, मेरे पिताजी तैयार नहीं रहेंगे। माय फादर विल नॉट बी रेडी या माय फादर वोंट बी रेडी। उसकी माँ खुश है, हिज मदर इज़ हैप्पी। उसकी माँ खुश थी, हिज मदर वॉज हैप्पी। उसकी माँ खुश होगी, हिज मदर विल बी हैप्पी। अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, उसकी माँ खुश नहीं है, हिज मदर इज़ नॉट हैप्पी। उसकी माँ खुश नहीं थी, हिज मदर वॉज नॉट हैप्पी। उसकी माँ खुश नहीं होगी, हिज मदर विल नॉट बी हैप्पी या हिज मदर वोंट बी हैप्पी। अभी हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या उसकी माँ खुश है, इज हिज मदर हैप्पी। क्या उसकी माँ खुश थी, वॉज हिज मदर हैप्पी। क्या उसकी माँ खुश होगी, विल हिज मदर बी हैप्पी। अभी हम इसको क्वेश्चन नोट बनाते हैं, ओके फ्रेंड्स, उसकी माँ क्यों खुश है, वाई इज हिज मदर हैप्पी। उसकी माँ क्यों खुश थी, वाई वॉज हिज मदर हैप्पी। उसकी माँ क्यों खुश होगी, वाई विल हिज मदर बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, उसका कुत्ता पागल है, हिज डॉग इज मैड। उसका कुत्ता पागल था, हिज डॉग वॉज मैड। उसका कुत्ता पागल होगा, हिज डॉग विल बी मैड। उसका कुत्ता पागल नहीं है, हिज डॉग इज नॉट मैड। उसका कुत्ता पागल नहीं था, हिज डॉग वॉज नॉट मैड। उसका कुत्ता पागल नहीं होगा, हिज डॉग वॉज विल, हिज डॉग विल नॉट बी मैड या हिज डॉग वोंट बी मैड। वह हमेशा खुश रहता है, ही इज ऑलवेज हैप्पी। वह हमेशा खुश रहता था, ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। वह हमेशा खुश रहेगा, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी। क्या वह हमेशा खुश रहता है, इज ही ऑलवेज हैप्पी। क्या वह हमेशा खुश रहता था, वॉज ही ऑलवेज हैप्पी। क्या वह हमेशा खुश रहेगा, विल ही ऑलवेज बी हैप्पी। वह हमेशा खुश क्यों है, वाई इज ही ऑलवेज हैप्पी। वह हमेशा खुश क्यों था, वाई वॉज ही ऑलवेज हैप्पी। वह हमेशा खुश क्यों रहेगा, वाई विल ही ऑलवेज बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो मैंने हिंदी में भी बोला और इंग्लिश में भी बोला। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है। और अब ये रहे होमवर्क, ओके फ्रेंड्स, इन होमवर्क को आप लिख लो अच्छी तरह से, नोटबुक में या स्क्रीन शॉट ले लो और फिर इसको आप बाद में आराम से समझ कर बनाना, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का जो भी आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, आज वो सारे कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा और आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ओके फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।